और राम मंदिर अगर बना भी है ना तो उसके कंपाउंड में आप अगर गौर से सुनेंगे न्यूज़ को, सब कुछ खुल रहा है। अगर राम मंदिर में ये किसी वाल्मीकि को, किसी चार को, किसी धोबी को, किसी नाई को दुकान दिलवा देने की गुलामी कर लूँ। अभी मध्य प्रदेश में कांड हुआ था, ठीक है, पेशाब कांड, पता है क्या देख कर हुआ? वो हाथरस में हुआ। नहीं, हाथरस में जो हुआ वो क्या कांड हुआ जो जाति कोई नहीं देखता? उस लड़की का बलात्कार हुआ, वो लड़की बिराचार्य ने एससी की छात्रा को पूड़ी पकाने से रोका। दलित चार पाई पर बैठा तो दबंगों ने लात घूंसे मारे। पहली बार दलित की शादी में बजा बैंड। 38 दलितों को घोड़ी पर से उतारा। अरे अंग्रेजों ने तुम्हें जर्किन दे दी, नहीं तो नंगे घूमते लंगोटी बांध के, है ना? है ना? अंग्रेजी क्यों बोलते हो फिर? छोड़ो अंग्रेजी, हिंदी बोलो, संस्कृत बोलो, पता चल जाएगी तुम्हें। इससे बदतर किया था, कुछ भी बदतर ना करा, आदमी बना के नहीं गधे की तरह घूमते। इतनी आयुर्वेदिक गोलियां खाते हैं, समय क्या पड़ा होता है, गाय का पेशाब है, आपको पता ही नहीं है? आप तो खा के पेट सही कर लेते हो बस। आयुर्वेद है वो तो आयुर्वेद है। तो भाई साहब भी दो घूंट मारते होंगे रोज, भाई साहब भी दो घूंट मारते होंगे। बिल तो फट गया इस देश का, ठीक है, महंगाई का बिल फटा है, बेरोजगारी का बिल फटा है, ठीक है। तुम कह रहे हो बिल, भाई जब सांसद सस्पेंड हो गए, ठीक है, तुम बिल पास कर रहे हो, अघोषित इमरजेंसी लागू है, ठीक है, चोरी से चुपके से, चोर दरवाजे से, चोर तरीके से तुम बिल पास करोगे। और बिल क्या पास हुआ है कि चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करेगा, कौन करेगा? बिल पढ़ा है आपने, ठीक है, चुनाव आयोग की नियुक्ति पता कौन करेगा? दो बीजेपी के नेता और एक विपक्ष का नेता। जो दो बीजेपी, उनमें से एक पहले कौन होता था? देश का चीफ जस्टिस होता था, सुप्रीम कोर्ट का जज होता था, उसकी उसकी पोजीशन हटा दी, वही बिल तो पास किया है। ये क्या है? ये हिपोक्रेसी तो है, डिक्टेटरशिप ही तो है। तो ये आपको लग रहा है ना, उनको नहीं लग रहा है भैया को, मोदी जी का साथ है और जनता भी साथ है, तब तो आ रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ तीन लोग हों और मैं कहूँ तीनों में माइक कौन पकड़ेगा और तीनों की वोटिंग करा दो, ठीक है, तो दो वोट की वोटिंग नहीं, जो काबिल है वो पकड़े, जो काबिल है। और डेमोक्रेसी काबिलियत से चलती है या वोटिंग से चलती है, पहले ये बताओ मुझे। वोटिंग से चलती है, वोटिंग से चलती है ना, और वोटिंग वोटिंग जो है वो डिसाइड करेंगे कौन काबिल है। अब वोट किस पर जाता है? मोदी जी पर जाता है। तो भैया एक बात बताओ, ज्यादा क्यों है उनके पास जब ऑलरेडी एक चीफ जस्टिस? जनता भरोसा करती है, वोट किया ना इसलिए तो मोदी जी जीते हैं। अंधो ने वोट किया इसलिए तो मोदी जी जीत गए। अंधो ने वोट किया, हम लोग अंधे हैं ना, हम लोग ने वोट किया जीत गए। देखिए भैया आपको ताना मार। हाँ बिल्कुल, अंधों की लाठी जो थी वो डेमोक्रेसी थी। मोदी जी के, मोदी जी के वोटर अंधे थे, लेकिन उनकी जो लाठी थी वो डेमोक्रेसी संविधान था। और अंधे को आंख मिल जाए तो सबसे पहले वो 140 करोड़ जनता अंधा है। सुनो क्या बोले, 140 करोड़, 37% लोगों ने वोट दिया सिर्फ, 40% वोट देश का बेवकूफ है। हो सकता है, हो सकता है, बता रहे अंडरराइज नहीं देता, लेकिन 140% बनता को बेवकूफ बता रहे। जब पिसाब पी सकते हैं, गाय का गोबर खा सकते हैं तो हो सकते हैं, वोट भी दे सकते हैं, अंधों के 40% जनता को बेवकूफ बता रहे। वो जो पेशाब पीने वाला केस है वो तो अपने आयुर्वेद का हिस्सा है, वो कहाँ राजनीति में डाल दिया आप लोगों ने? आयुर्वेद है वो तो आयुर्वेद मानते हैं। तो भाई साहब भी दो घूंट मारते होंगे रोज, भाई साहब भी दो घूंट मारते होंगे, दो घूंट पूछ ले। जितनी आयुर्वेदिक गोलियां खाते हैं, सब में क्या पड़ा होता है, गाय का पेशाब है, बकरी की लड़ी, आपको पता ही नहीं है? आप तो खा के पेट सही कर लेते हो बस, वहां पर खा लोगे। लेकिन मोदी जी का वो पेशाब लग रहा है, एक दवा मोदी जी की दवा पेशाब लग रही है। दवा ऐसी दवा, एडवाइस। अच्छा एडवाइस, देखो भाई दवा में पड़ता है भाई, ये भाई साहब को पता होगा, हर दवाई में पड़ता है, तभी तो। हाँ गाय का पेशाब, गाय का पेशाब बिना कोई भस्म नहीं होती। देखो ऐसा ज्ञान चाहिए, ऐसा ज्ञान चाहिए सबको। अच्छा एक और केस आपके पास नहीं, जो बढ़िया उठने को आया, एक केस और बढ़िया उठने को आया, बेरोजगारी। हमारे माँ बाप ने कहा भैया तुम ग्रेजुएशन कर लो तब जाके तुम्हें नौकरी मिलेगी, बट जब तक बड़े हुए टाइम ऐसा आया कि जब तक कोई वोकेशनल कोर्स ना करो तब तक जॉब नहीं मिल रही, केवल ग्रेजुएशन तो झोला खा लेके घूम रहा है। किस ईयर में किया था ग्रेजुएशन? हमारा 2001-2002 का, 2001-2002 का ग्रेजुएशन है। तो नौकरी केवल 2-3-4 वोकेशनल कोर्स करके ऑब्वियसली नहीं मिलती। जो लोग ये सोच के बैठते हैं कि केवल ग्रेजुएशन होगा या इंटरमीडिएट होगा उसके बाद कोई वोकेशनल कोर्स नहीं किए, बच्चा अपने आप लोन ले सकता है, आपको पता है, एक इंश्योरेंस पॉलिसी से। लेकिन दुनिया में कोई सोचता नहीं है कि एक इंश्योरेंस पॉलिसी आपको MBA करा सकती है। वोकेशनल कोर्स के बिना केवल स्कूली पढ़ाई DU की या किसी, नहीं आपको, आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं लोन लूँ या पढ़ाई करूँ? एक प्राइवेट कोर्स जो कि आज की नौकरी में बहुत ज़रूरी है, केवल एक ग्रेजुएशन जो सरकार ने करा दिया उससे आपका काम नहीं चलता। वो भी पोजीशन देखी जाती है, कौन से नंबर से किया आपने, कितने नंबर से किया। लेकिन आज का आधी जनता कहती है बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी। आप ये बताइए, सरकारी नौकरी चाहिए? आप आयुर्वेदिक के डॉक्टर हैं क्या? नहीं नहीं, मैं ऐसे पता कि गौमूत्र पड़ता है,
दवाइयों में नॉलेज है सर। अच्छा, हमारे नाना जी बड़ा फॉलो करते थे आयुर्वेदिक, उनका बुक्स थी उसमें लिखा है। अच्छा अच्छा, आपने मनमोहन सिंह जी को मौन बताया और मोदी जी को बोलने वाला बताया, अगर आपका बच्चा घर में इतना ही बोले तो क्या कहेंगे? चुप, ये नहीं बोलोगे? चुप रहे, नहीं बोलेंगे? आज की तारीख है नहीं, आज जीडी में बैठेंगे, ग्रुप डिस्कशन में बैठेंगे, अगर आपका बच्चा चुप हो जाए वहां तो हार जाएगा। हमेशा जीडी में बैठेगा, जीडी में बैठेगा है जी, हर जगह हमेशा जीडी में बैठेगा। सरकारी नौकरी के लिए जीडी बहुत जरूरी है आजकल, बहुत सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी हो चाहे ना हो सर, क्यों सरकारी नौकरी वेट करके 40 साल के हो जा रहे हो? वोकेशनल कोर्स करो, अपनी अपनी मेहनत से करो, पार्ट टाइम का जॉब करके कर लो, तब कहोगे आप बाल मजदूरी कर रहे बच्चा 16 साल का उम्र का, जरा देखो 14 साल की उम्र के बच्चे क्या कर रहे हैं आज की तारीख में। अच्छा, ये जितना ठेला वाला वाला है, सबसे बताओ वोकेशनल कोर्स या आईटीआई या पॉलिटेक्निक या आईआईटी मोदी जी ने कोई खोलवाया? इन भाई साहब बताएंगे, अभी भाई साहब अभी बताएंगे कितने वोकेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट खुलवाए हैं, कितने आईआईटी और कितने आईटीआई और कितने पॉलिटेक्निक मोदी जी ने खुलवाए हैं, बता दीजिए। आप पढ़े लिखे, आपको पता हो सर, पॉलिटेक्निक खुलवाने की जरूरत नहीं। जैसे मोदी जी ने उन्होंने कहा कि भाई ये संस्थान पहले बना था, इसरो पहले से था, तो बस एक प्रोसीड करना होता है, एक देश एक लेवल पर आ गया उसके बाद उनको चीज़ों को एड ऑन करना होता है। अब कितना किया, कितना विकास कर दिया? एम्स खोले हैं अलग अलग राज्यों में एम्स खोले हैं, तो एम्स खोलने के लिए, और राम मंदिर अगर बना भी है ना तो उसके कंपाउंड में आप अगर गौर से सुनेंगे न्यूज़ को, सब कुछ खुल रहा है, अस्पताल भी खुलेगा उस ट्रस्ट का, और उस ट्रस्ट की मे बी एजुकेशन प्रणाली भी अच्छी होगी, वहाँ वैदिक स्कूल भी हो सकता है, वो ऐसे ही नहीं केवल मैदान ही बनाया गया है रेस कोर्स के लिए। हेलो, एक कॉर्नर में अगर मतलब आपका मंदिर बन गया तो बाकी एरिया लंगर लगाने के लिए नहीं है, वो बहुत बड़ी स्कीम है। आप एयरपोर्ट देख रहे हैं, एयरपोर्ट वहाँ पर बहुत बहुत अच्छी इनकम होने वाली है गवर्नमेंट की। आप अपने नेता को क्या चाहते हैं, वो आपको मंदिर बना के दे या स्कूल कॉलेज? उसने बताया अयोध्या का, मैं अयोध्या गया हूँ, अब वो भी गया हूँ, ये आपका नेता है, आप उससे क्या चाहते हैं? गांव से भी बदतर था, वहाँ बच्चा पीछे पीछे भागते थे, हाँ लाओ मैं मंदिर में दर्शन करा आता हूँ, है ना, मुझे 5 रुपये दे दो, आज का बच्चा वहाँ भीख नहीं मांगेगा। अब भाई अयोध्या के बच्चा को बना दिया, अयोध्या में का मंदिर की बात हुई ना भाई साहब, कह रहे हो सब कुछ बनेगा, ठीक है ना, नहीं हम अब हमें भाई साहब ये बता देंगे, वो जो दुकानें खुलेंगी वो कौन से कैटेगरी के हिंदू को मिलेंगी? वह हिंदू धोबी, हाँ तो प्रसाद भी नहीं बेचेगा वहाँ लग रहा है, कौन से लोकल आदमी और क्या नहीं, लोकल आदमी कैसे मिल जाएगा वहाँ की? किसी बाल्मीकि को दिवाओ दुकान, हम भी एजेंसी खुलेंगी, हम तुम्हारी गुलामी कर लो, तो किसी बाल्मीकि की दुकान खुलवा दो, किसी चमार की खुलवा, क्या कोई भी खुल ले, अरे इन सबको ना उसमें ना बांटिए, ये अच्छा धंधे को आप धर्म में नहीं बांट सकते या ग्रेड में नहीं बांट सकते, नहीं बांट सकते, हर ग्रेड के अंदर अगर पैदा हुए हो तो जाति में जरूर हो गए। आज इधर हमारा बॉस भी शेड्यूल कास्ट था, इसलिए हम कह सकते हैं हमारे संग पढ़ने वाला बच्चा भी शेड्यूल कास्ट था, अब वो हमसे अच्छा पढ़ रहा था, आपने मान लिया ना शेड्यूल कास्ट था, ग्रेड बना हुआ है ना, हम तो टाइम पास करते थे, ग्रेड तो आपने, लेकिन सब्सिडी मिली हुई थी उनको, सब्सिडी मिली हुई, क्या सब्सिडी मिली हुई है? 20% सब्सिडी थी, ही पढ़ रहे थे वो लोग, हम 80% फीस दे रहे थे जनरल कास्ट में, सब्सिडी मिलती है उसके ऊपर से विरोध, उनका जूते भी तो यही फेरते हैं, सब्सिडी देते हैं तो इनका समाज ही तो जूता फेरता है। अगर राम मंदिर में ये किसी बाल्मीकि को, किसी चमार को, किसी धोबी को, किसी नाई को दुकान दिलवा देना, इनकी गुलामी कर लूं, आज कोई नहीं पूछता सर ये चीजें, अच्छा, आज कोई ये सब चीजें नहीं पूछता, पुजारी बनवा दो मंदिर, आओ कभी उत्तर प्रदेश, 20 बाइकों पे लिखा हुआ देखोगे ब्राह्मण, नहीं जावेद अभी कहां, कौन है सबसे बड़ा ब्रांड है आजकल, कोई नहीं पूछता। अभी मध्य प्रदेश में कांड हुआ था, ठीक है, पेशाब कांड, पता है क्या देख कर हुआ वो? क्या पेशाब कांड की बात कर रहे हैं? वो कुछ लोगों का दिमाग फिर जाता है, पी लेते हैं उसके बाद, अच्छा, वो थोड़ा ऊंचे उठ जाते हैं। हाथरस में हुआ, नहीं हाथरस में जो हुआ वो क्या कांड हुआ, जो जाति कोई नहीं देखता, उस लड़की का बलात्कार हुआ, वो लड़की भाई उसकी मैं बॉडी जला दी गई, उसके बाद भाई एलिगेशन लग रहा उच्च जाति वाले लोगों पे, और उच्च जाति वालों ने क्या किया, अपनी जाति छोड़ दी, जगह जगह पंचायत करी। अच्छा छोड़िए, मोदी जी क्यों नहीं आएंगे, ये क्यों नहीं आएंगे? इसलिए ना, मैं भाई साहब कह रहे ग्रेड में ना, हाँ बिराचार्य ने एससी की छात्रा को पूड़ी पकाने से रोका, रसोई से निकला ये कहा बताओ, दलित चारपाई पर बैठा तो दबंगों ने लात घूंसे मारे, ठीक है, पहली बार दलित की शादी में बजा बैंड, ये सब तुम्हारे उससे ही हो रहा हिंदू धर्म में ही, पीजी टॉपर को एम्स से निकाला, ये एम्स दिल्ली का एम्स है, ठीक है, अच्छा एम्स किसके अंदर आता, पुलिस ने कल एक बंदे को मारा है तो वो तो केंद्र में आती है। देखो ये दलित उत्पीड़न पर भाजपा सांसद का पीएम को पत्र,
अरे भाई साहब ये तो 18 का, हाँ तो मोदी इंडिया का, ये नहीं मोदी की बात कही है, ये भारत का अखबार है, ये बड़ी बात है। देखो बेचारे इसे गोविंद को अंदर नहीं जाने दिया, ब्रह्मा के मंदिर में बाहर बैठा के सिर्फ पूजा, राष्ट्रपति राष्ट्रपति ये अरे भैया ये अखबार कोई भी हो इस देश का, नहीं नहीं सर अखबार भी बैठे हुए हैं, 38 दलितों को घोड़ी पे से उतारा, दलित दंपति ने किया हाथ हाथ से मेला उठाने से इनकार, मद्रास हाई कोर्ट ने लगाया जुर्माना, और नया न्यूज सुना मैं अभी, जूते में पेशाब पिलाया, मुंह में मूत दिया उस, वो तो सुनी होगी, राजस्थान में बच्चे ने पानी पी लिया, अरे अंग्रेजों ने तो तुम्हें जर्किन दे दी, नहीं तो नंगे घूमते लंगोटी बांध के, है ना अंग्रेजी क्यों बोलते हो फिर, छोड़ो अंग्रेजी हिंदी बोलो संस्कृत बोलो पता चल जाएगी तुम्हें, इससे बदतर किया था, कुछ भी बदतर ना करा, आदमी बना के नहीं गधे की तरह घूमते, गधे की तरह घूमते जितनी। अच्छा मोदी जी क्यों आएंगे आप काम बता दीजिए, धर्म को छोड़ कर राम मंदिर नहीं, धर्म से कोई मतलब नहीं मोदी जी के आने का, मोदी जी के आने का धर्म से कोई मतलब नहीं है, ऑब्वियसली मैंने ये पूछा नॉर्मली एक नागरिक के नाते, वोट देगी तब आएंगे, नहीं आपको लग रहा आने तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं आए क्यों आए, देखिए एग्जाम में प्री एग्जाम हाफ ईयरली और एनुअल सारे होते हैं, अभी ये प्री एग्जाम हुआ था उसमें जो रियल देखने को मिला रिजल्ट देख उसके हिसाब से हम सोचते हैं मोदी जी 100% मिली है, वोट तो कम मिली है, 4,11,00,000 वोट है ठीक है, उसमें से 4,90,000 कांग्रेस को मिली है और 4,80,00,000 बीजेपी को मिली है, तो भाई मोदी अरे तो कांग्रेस वोट लेके खुश रहेगी, ये बात सही बोल रहे हैं कि एग्जाम आगे का जो है वो स्टैंड क्लियर है, बीजेपी आ रही है, अरे तो वही तो बता रहा हूँ, अगर वोट ज्यादा मिले वो तो चलो राज्य का चुनाव था, लोकसभा चुनाव तो ग्रोथ देखा जाएगा ठीक है, पूरे देश का चुनाव है ना वो, फिर मोदी जी का 1% भी योगदान नहीं मंदिर बनाने, उन्होंने आंदोलन कराओ, उन्होंने केस लड़ाओ, वो तारीख पे गए हो, उन्होंने कुछ करा हो, मंदिर बना रहा सुप्रीम कोर्ट, क्या बोले कोशिश करी बस, कोशिश करी जो अभी तक कोशिश नहीं हुई। मोदी जी की एक फोटो भी वायरल हो रही है, राम जी को हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं मोदी जी ने, वो जो है ना राम जी जो है वो कमजोर बना दिए, कमजोर बना दिए, उनके ऐसे लग रहे हैं जैसे राम जी के वो पिताजी हों, हाथ पकड़ के ले जाने नु, चलो भैया तुम्हें राम मंदिर में बिठा का हमें, तुम बिल्कुल कुछ जानते नहीं हो, अरे जिसने दुनिया बनाई है जो दुनिया चला रहे हैं राम जी, उनको सनातन को गालियां क्यों देता है आदमी, सनातन क्या है, क्या है सनातन, क्या हमारी जड़, कैसी जड़, हमारी जड़ें हैं सनातन पे, जड़ किस पे टिकी हुई है, मनु पे, मनु मन मनु अंकल पूरी पोथी लेके आए आज ईमानदारी से कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से नहीं, हम सनातन की धर्म से आए, सनातन की तरफ से आए हैं, दादाजी को गाली ना देते, नहीं नहीं सॉरी, नहीं नहीं कांग्रेस की तरफ है, चलो कहाँ जा रहे हैं, अब नहीं खड़ा हो सकता, अब नहीं खड़े हो।